और ये खड़ी हुई है नई वाली हिमालयन और काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो भाई बाइक तो अब आई है, हम इतनी देर से वेट कर रहे थे। अबे भाई यहाँ क्या रहते हो रखी है भाई, फस फस ना जाए भाई। ओ भाई बंदे कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं भाई, देख रहे हो ऊपर पहाड़ी पे। हाँ शिखर धवन ने भी यहाँ पर फ्लैट ले रखा है भाई। खुशीराम पहली बार हमारे ब्लॉग में आयो, अपना इंट्रो पर चलो भाई। देख रहे हो सामने गाँव माता खड़ी है, दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई लाइट ब्लिंक होगी, जो हीटिंग वाला इशू है वो भी नहीं होगा। चलो क्या बात है भाई, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और 6 बजे का मौसम देख रहे हो, खड़ी अपनी जाने मन देख रहे हो, क्या बढ़िया लग रही है। मैंने ये पहली धुलवा ली थी इस वजह से इतनी बढ़िया लग रही है। चेन भी हमने ल्यूब कर ली थी अयोध्या से आने के बाद, ल्यूब नहीं थी, मैं छोटी मोटी कमियां रखी हैं। और बाकी हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो अभी यहाँ से अपन निकलेंगे लेपर्ड ट्रेल के लिए, और पहले खुशीराम हो सकता है, एक दोस्त है वो चलेगा साथ में, तो उसको गुड़गांव से उठा लेंगे। बाकी हम हेलमेट पहनना रह गया है बस, गियर अप पूरे हो चुके हैं, राइडिंग पैंट अपनी आ गई है, बूट्स भी आ गए हैं, अब बस जाने में निकालनी है अपनी और सड़कों पे दौड़ानी है, क्योंकि सुबह सुबह जो मज़ा है ना बाइकिंग का भाई, वो पूरे दिन में कभी नहीं आएगा। ये देख लो भाई सुबह सुबह गाड़ी साफ हो रही है अपनी, क्या बात है, ऊपर चढ़ चढ़ गए हैं। चलो भाई बाइक थोड़ी देर के लिए कोल्ड स्टार्ट कर दिया, अब बढ़िया से निकलते हैं। अब मैंने इसे बाइक बोल दिया क्या, सॉरी गलती से निकल गया भाई, मज़ा आ जाएगा कसम से यार, बहुत टाइम हो गया संडे राइड करे हुए। अब अपने साथ के लड़के तो हो गए सब बिजी, कोई शादी के बाद बिजी हो गया और कोई इधर उधर बिजी हो गया, तो हमने कहा क्यों ना अपन अकेले ही निकलते हैं। अभी अपन आ गए हैं बढ़िया हाईवे पे और ट्रैफिक बिल्कुल भी है नहीं, सही मज़ा आने वाला है भाई सही में। वैसे कभी कभी बाइक निकालने का भी अलग ही मज़ा है सीरियसली भाई। चलो थोड़ी सी शांति रख लेते हैं, मैं तो बिल्कुल उड़ने को तैयार हो रहा था भाई। अभी थोड़ी देर में अपन आने वाले हैं GFR पे, लेकिन उससे पहले GFR पे हम भगाएं, मैं आप लोगों के कुछ ना जो सवाल होते हैं उनके जवाब दे देता हूं भाई। इंस्टा पे सबसे ज्यादा मेरे को एक ही सवाल आता है, मतलब आ तो और भी रहे हैं, मतलब उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे एक बाद में कभी, पर फिलहाल एक ही आता है कि भाई हमने बाइक की डिलीवरी ले ली है, डिलीवरी लेने के बाद कम से कम 10-15 दिन हमारी बाइक को हो चुके हैं और बाइक की जो है लाइट ब्लिंक हो रही है या फिर वो जो हीटिंग वाला इशू है वो आ रहा है। तो भाई देखो अगर तुमने मेरे स्टार्टिंग के ब्लॉग्स देखे होंगे ना, मैंने अपनी बाइक की डिलीवरी ली थी उसके बाद तो ये दिक्कत मेरे साथ भी आई थी और मैंने सर्विस सेंटर में जाकर के दिखाया भी था, समझ रहे हो। तो उन्होंने मेरे को जो बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड है, और जिन्होंने नहीं देखी है और फिर भी वो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि भाई जब आपकी बाइक की फर्स्ट सर्विस होगी ना तो आपकी बाइक का जो इंजन ऑयल है वो चेंज होगा, देन उसके बाद आपकी बाइक अच्छे से फिर बाइक जितनी तेज आप चला सकते हो चला लोगे, दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई लाइट ब्लिंक होगी, जो हीटिंग वाला इशू है वो भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट सर्विस से पहले अपनी बाइक को हाई RPM पे चलाओगे तो भाई फिर दिक्कत देगी बाइक और हीटिंग भी जल्दी जल्दी होगी। और अभी देख रहे हो राइट में अपने क्या है, बजरंगबली जी आ चुके हैं, तो जय बजरंगबली जी, जो एनर्जी अभी दे रखी है ना बस यही रखना। अब अपन निकलते हैं, इसी हाईवे का वेट हो रहा था इसी का। ओ भाई देख रहे हो सामने गांव माता खड़ी है, कोई बात नहीं हम साइड से निकल जाएंगे, आपको साइड होने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, कॉन्टिनेंटल GT650 ट्विन, मतलब इतनी देर से मैं सोच रहा था कि मैं अकेला ही चला रहा हूँ क्या, लेकिन चलो अपनी बिरादरी के लोग दिखने तो शुरू हुए, क्या बात है। ये बाइक तो अपने आप में क्लास है भाई सच में। अबे ये क्या बिल्डिंग बना रखी है इन्होंने, ये तो आज ही नोटिस करी है मैंने। फाइनली वी हैव रीच्ड गुरुग्राम गुड़गांव, और अभी यहाँ से अपने खुशी राम को पिक करना है और भाई साहब जी अपने जो है रूम के बाहर आ जाएंगे, उसके बाद अपन साथ में चलेंगे। लेकिन भाई सुबह सुबह कितना प्यारा लग रहा है ना गुड़गांव, मतलब लेस ट्रैफिक और मोर ग्रीनरी, और भाई क्या बढ़िया मौसम हो रखा है, आहा सुहाना, यही पूरे दिन रहे ना तो मजा ही आ जाए। लेकिन ये ख्वाहिश कभी पूरी हो नहीं सकती क्योंकि भाई अब तो ऐसा लगता है दिल्ली से ज्यादा ट्रैफिक रहने लगा है गुड़गांव में, बुरा हाल चल रहा है, बुरा हाल।
ठीक है, जिस मौसम में मैं आया हूँ ना, इस मौसम में तो मजे लेके रहूंगा भाई। क्या बात है, मैं गिरा होया बंदा जावा नीच वलिए। तेरे यहाँ तो बड़े डॉग ही डॉग घूम रहे हैं भाई। लो भाई ये आ गया खुशी राम। खुशी राम पहली बार हमारे ब्लॉग में आयो, अपना इंट्रो दो। चलो इंट्रो दिया रे मैंने ना। कैमरा देख के शर्म आ रही है ना? फिर अरे कैमरा फ्रेंडली नाम भाई बसाल। कैमरा फ्रेंडली नहीं है ना, ना। नाम तो बता दे अपना पूरा। गाइस मेरा नाम है खुशी राम, बस पीपल इन जनरली कॉल मी कटारिया। ये इंग्लिश आ रही है पूरी। चलो पेट्रोल डलवाना है पहले हमें इसमें। 7 बज गए हैं, पहले 5 बजे का टाइम था, फिर 6 बजे का हुआ और फाइनली हम 7 बजे निकल रहे हैं। पर भाई गुड़गांव में प्रॉपर्टी रेट बहुत हाई चल रहे हैं भयंकर, मतलब इतने करोड़ों में जा रही है ना प्रॉपर्टी, 100-100 करोड़। ये मंगोलिया है भाई, ये है कमेलिया है ना। हाँ शिखर धवन ने भी यहाँ पर फ्लैट ले रखा है भाई। अच्छा अमन गुप्ता बोट का जो CEO है उसने भी यहाँ पर फ्लैट ले रखा है, तो समझ रहे हो ना। पहले जाने उनका पेट भर देते हैं अपनी, वरना दिक्कत दे जाएगी रास्ते में। कोई कहेगा ले तो BMW रखी है तुमने, धक्का मार रहे हो। तो वो बोल रहा है होली के नाम की बोतल दे रहे हो, तो ले 4-5, 3-4 बोतल। अच्छा फुल पार्टी चलेगी मतलब रात को, कल सुबह होश में मिलेगा ना। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। हाँ फिर ठीक है भाई, आजकल पेट्रोल के रेट देख के मजा आ रहा है। क्यों भैया ये कब तक रहने वाले हैं? 95 इलेक्शन तक। इलेक्शन तक सही बात है, जरूरी नहीं ना इलेक्शन हो जाए, पहले भी सकता है। चलो भाई अब जाने मन का पेट हमने भर दिया अच्छे से, 198 की रेंज हो गई है, बढ़िया। अब निकलते हैं मेन अंडरपास। अब भाई अंडरपास तो खत्म हो गए सारे ये तो मोए मोए हो गया, अब तो आगे सीधे चौक आ गया आई लव गुरुग्राम वाला, और उसके बाद सेक्टर 55 आ जाएगा। ओके ओके कैसा लग रहा है? तो भाई फाइनली अपन आ गए अरावली हिल्स पे, और ये सामने पहाड़ियाँ शुरू हो गई है। अभी हम इसी रास्ते को होते हुए जाएंगे, मतलब ठीक है भाई उत्तराखंड हिमाचल नहीं गए हैं लेकिन पहाड़ी के मजे पूरे ले लेंगे। अब खुशी राम को थोड़े मजे दिला देते हैं क्योंकि अपन तो आ चुके हैं, यहाँ लौंडे का पहली बार है। ये देख लो भाई, अरे अरे कैसे KTM ना संभल ली, चला तो लेते हैं ऐसी बाइकों को, संभालना भी पड़ता है भाई, मजाक थोड़ी है यार। ये ऐसे कैसे मजे लेने देंगे, यहाँ तो ब्रेकर ही ब्रेकर बना दिए हैं, पहले नहीं थे ये। हाँ लौंडो रोड तो बनी नहीं अभी तक, टूटी फूटी हो रखी है। ये व्हाट अ कर्व बेबी, वो देखो सामने लेक लूक भी बना रखी है यार। ड्रोन लेना पड़ेगा, पैसे नहीं है ड्रोन के। ओ भाई बंदे कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं भाई, देख रहे हो ऊपर पहाड़ी पे, वो देखो जा रहे। हम तो एंड में चलेंगे सीधा। हिमाचल के साथ राजस्थान की भी फील आ रही है। वही तो हो रहा है, किस तरफ रेत का पहाड़ है। ओबे भाई यहाँ क्या रेत हो रखी है भाई, फंस फूस ना जाए यहाँ भाई। निकल गए भाई, मेरे को लग रहा था यहाँ फंसी। वे एक तो मच्छर और घुस जा रहे हैं। जंगल कैफे चलो भाई, तो
भाई फाइनली अपन आ गए लेपर्ड ट्रेल, और जहाँ पर हम आते हैं ना हमेशा उसी कैफे पे आए हैं। ये कैफे है डक्स एंड डॉग्स, तो ये मेरे को सही लगता है। मतलब और भी यहाँ पर अब तो बहुत सारे कैफे बन गए हैं, पीछे एक थ्रॉटल शॉटल भी यहाँ पर बन गया है, लेकिन उस पर अपन गए नहीं। यहाँ पर अपन पहले से आ रहे हैं, बढ़िया वाइब है, देख रहे हो यहाँ पर क्या बढ़िया नज़ारे हो रखे हैं। और ये बैठे हमारे कटारिया साहब, कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया। सुबह सुबह के स्वाद ले लिए तूने? नींद नहीं आ रही थी क्यों? बंदी की याद में था? बंदी लाओ भाई, गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी है तेरी, कौन सी वाली की याद में था? बंदियां हैं। अरे तो प्ले बॉय हो गया भाई, कितनी गर्लफ्रेंड होंगी फिर भी? 10 तो होंगी, इस स्मार्टनेस पे मरी जा रही होंगी। ऐसे मुझे घुमा देता हूँ मैं। और ये देख लो भाई, यहाँ खड़ी है अभी अपनी जाने मन, हमने वहाँ लगा दी है। बाकी यहाँ पर एक से एक खड़ी हुई है, आयरन 883 एक बुलेट भी खड़ी हुई है, और ये खड़ी हुई भाई ट्रायम्फ स्पीड 400, जिसका हमने एक रिव्यू भी करा था, बढ़िया वीडियो बनाई थी, अच्छी बाइक है। और यहाँ बंदे खेल रहे हैं अपने, जो है बैट वैट लेके आ रखे हैं, फुटबॉल वुटबॉल ला रखे हैं। मतलब इस वाले जो कैफे है ना, इसमें माहौल बढ़िया रहता है, इसीलिए मैं कहा यहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया, ये मेन्यू रखा हुआ है, लेकिन अपना सुबह का यही रहता है, या तो अपन खाते हैं ऑमलेट ब्रेड वगैरह या फिर पराठे। तो अभी हमने पराठे इसको बोल दिए हैं, बढ़िया चाय भी बोल दिए साथ में। देख रहे हो भाई, धीरे धीरे बंदे बढ़ते जा रहे हैं, R15 गैंग आ चुका है फुल एकदम। लो भाई आ गए अपने बढ़िया पराठे, एक गोभी होगा एक आलू प्याज ना। हाँ बढ़िया एकदम, धन्यवाद। ले भाई पराठों के मजे ले तू। लो देखो भाई पल्सर 200 NS लेकर के बर्न आउट मारी जा रही है। ले भाई पराठा ले, कैमरे में दिखाएगा कब पराठा खा रहा। शादियों की तरह शूट करो क्या? मुंह पे कैमरा ले आते हैं जब वो वाला तो लाया ही नहीं। वो वाला नहीं लाता मैं भाई, यही ठीक है अपने। लो भाई बाइक तो अब आई है, हम इतनी देर से वेट कर रहे थे। S1000 RR आ चुकी है, देख रहे हो भाई क्या ही प्यारी लग रही है। और ये पीछे अपनी जाने मैंने भी एक बाइक लेके आया हुआ है, क्या बात है। हाँ उषा भी आ गई, क्या कह रहा है, बीच में से स्प्लेंडर ले जाऊंगा मैं। भाई साहब दो पराठे खा लिए, मजा आ गया। मतलब दो तो क्या, एक हमको आधा आधा खाना पड़ा, खुशीराम से खाया भी नहीं जा रहा, बाइकों में बाइक आ जा रही है देख लो। अब ये रॉयल एनफील्ड ग्रुप आ चुका है, क्या कह रहा, कौन सी बाइक पसंद आ रही है फिर इनमें? कौन सी? काली स्प्लेंडर। स्प्लेंडर नहीं, काली स्प्लेंडर। वही लेनी है पहले, है ना, इनके बीच में से निकलना है सबके, जो ये अपनी हवाबाजी कर रहे हैं ना। अगला टायर ऐसे हवा में उठा के अगला टायर उठा के चलाएगा। पहले चलानी सीख लो यार। अबे हाँ पहले चलानी तो सीख ले, बताओ यार बाइक चलानी नहीं आती। जी भाई, तो भाई अभी हमने नाश्ता कर लिया बढ़िया से, और अभी 9 लगभग बज चुके हैं, पर आज मौसम हमारा साथ दे रहा है, और अभी ऐसा लग रहा है हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मतलब भाई देख रहे हो बादल वादल अच्छे खासे आ रखे हैं, और अभी हम जो है अपनी जाने मन की तरफ आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अभी हम देख रहे हो सुपर मेटियोर 650 खड़ी है, पर इसको साइड में करते हैं। और ये खड़ी हुई है नई वाली हिमालयन, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना चेंजेस कर दिए हैं इसमें, मतलब लुक एकदम ही बदल दिया है भाई, पहले वाली हिमालयन और अब वाली हिमालयन में अलग ही लग रही है भाई, देख रहे हो। और ये वाला कलर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, बंदे ने जो है जाना की एसेसरीज लगवा रखी है, पूरे क्रैश गार्ड वगैरह बढ़िया लग रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से 452 cc के आसपास है शायद, पर लेकिन सामने से थोड़ी सी पतली लग रही है, पर बढ़िया लग रही है। चेसी वगैरह भी देखने से लग रहा है कि पहले की हिमालयन में सुनने को मिलता था ना, चेसी थोड़ी सी उनकी कमज़ोर थी, पर इसमें वाले में लग रहा है कि यार ये बढ़िया होगी। तो इसकी टेस्ट राइड तो एक ना एक दिन ले के रहेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा चलाने में। और बाकी अभी आ चुके हैं अपनी जान के पास, निकलते हैं यहाँ से, रास्ते में मजे लेते हुए चलेंगे। पराठे कैसे लगे भाई? भाई सही थे, सही थे। चले फिर चल चल चलते हैं भाई। नहीं देखो हेलमेट देख लो इनका। अरे भाई मैं तो ये भी ना लगाऊं। ना लगाऊं भाई, चलान हो जाते हैं। सेफ्टी सेफ्टी, हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस भाई, पुलिस वालों की गलती नहीं है। बाकी ये चाय ला नहीं रहा है, खुशीराम कह रहा है मैं मार वार दूंगा, वैसे बेमानी गाऊँ मैं।